चलिए, अभी तक हमने एमएस वर्ड के अंतर्गत कमेंट्स ऑप्शन और ट्रैक चेंज पढ़ा। यदि हम इन ऑप्शंस की बात करें तो काफ़ी उपयोगी हैं, खासतौर पर ट्रैक चेंज, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा उपयोगी है जिस ऑप्शन को आज हम देख रहे हैं। लेकिन साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो जो हैं वो आप अपने पर प्राप्त कर सकें। साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो इससे हमें एक बेस मिलता है, एक मजबूती मिलती है और हम आगे नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम देखते हैं बहुत ही उपयोगी ऑप्शंस। खासतौर पर जब हम वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं और बनाने के बाद सेव कर करके हम जब क्लोज कर देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फाइल सिक्योर रहे। उसके लिए हमने ट्रैक चेंज ऑप्शंस यूज़ किया था, लेकिन सिक्योर नहीं है। उससे सिर्फ हमें बात पता चलती है कि हाँ, इसमें कोई संशोधन हुआ है, यानी वो फाइल को सिर्फ ट्रैक करता है। वहीं पर यदि कोई पासवर्ड का ऑप्शन हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आए साथियों, अब हम वही ऑप्शन देखने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं, एमएस वर्ड हमने ओपन किया हुआ है, जिसमें आपको रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ऑप्शंस मिलेगा और वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको आपकी फ़ाइल बना लेना है, उसे सेव कर देना है। हम फाइल बना करके यहाँ पर उसको सेव कर चुके हैं, जो भी नाम से आप सेव करें, जैसे मैं IMP नाम यहाँ पर इसको दे देता हूँ, और जिस भी लोकेशन में आप उसे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसे आप क्लिक करें, यहाँ पर रिट्रस्टेड फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, ये दोनों का ही देता है, फुल ओपन और मॉडिफिकेशन नहीं देता है। यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का प्रोटेक्शन देगा, इसे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अलाउ ओनली दिस टाइपिंग ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, इसे चेक लगाएं। इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पासवर्ड, यूज़र चाहे तो यूज़र ऑथोराइजेशन भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर कोई पासवर्ड आप दे सकते हैं। तो पासवर्ड में ऑप्शनल पासवर्ड यहाँ पर आप दें और फिर यहाँ पर आप कन्फर्म करिए। कन्फर्म करने के बाद ओके को क्लिक करें। अब आप फाइल को एक बार सेव कर दीजिए। अब यदि कोई व्यक्ति आपकी फाइल को ओपन कर लेता है और उसमें कोई संशोधन करना चाहता है, यहाँ पर कोई संशोधन नहीं होगा क्योंकि आपकी फाइल प्रोटेक्ट है। इसके लिए अब आपको यदि कोई संशोधन करना है, हम चाहते हैं कि फाइल को हम एडिट कर सकें, इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन। इसी ऑप्शन के अंदर मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन, स्टॉप को क्लिक करिए। यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, यदि पासवर्ड गलत है, हम जैसे पासवर्ड यहाँ पर गलत डाल देते हैं, ओके को क्लिक करते हैं। अब देखेंगे द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पर आपको करेक्ट पासवर्ड चाहिएगा। यदि हम पासवर्ड करेक्ट डालते हैं, ओके करते हैं, अब हम कोई भी संशोधन इसमें कर पाएंगे, कोई भी डेटा इसमें हमें ऐड करना है वो आप कर पाएंगे, ये देख पा रहे हैं। अब आप इसको सेव कर दीजिए, और वही यानी सेव करने के बाद फिर आपको इसको पासवर्ड दे करके सिक्योर करना पड़ेगा। इसमें यह है कि एक बार पासवर्ड देने से बार बार लागू नहीं होगा, आपको हमेशा पासवर्ड अपडेट करना होगा और फिर सेव करना होगा। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट फाइल को आप जो कि सेव कर सकते हैं। साथियों, अभी तक हमने ये वर्ड का रिव्यू मेन्यू समझा, जिसके अंतर्गत इसमें ग्रामर, रिसर्च, थीसर्स, ट्रैक चेंज जैसे ऑप्शन से देखें, और इसके साथ ही हमने कमेंट वगैरह भी इसमें देखें, और आज हमने पढ़ा जो है कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें हमारा ऑप्शन एक अभी छूटा हुआ है, वो है कंपेयर एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। यदि हम चाहते हैं किसी अन्य फाइल में, जैसे हमारी कोई न्यू फाइल है और इस न्यू फाइल में अन्य दूसरी किसी फाइल का डेटा इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो हम कंपेयर को क्लिक करेंगे, और कंपेयर ऑप्शन यहाँ पर है, और जिस भी फाइल को आप कंपेयर करना चाहते हैं उस फाइल को आप ओपन कर दीजिए, किस किस फाइल को आप कंपेयर करना चाहते हैं, और ओके कर दीजिए। तो एक साथ दो फाइलें यहाँ पर ओपन हो जाएगा,
और उनको आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस फाइल में कौन सा डाटा किस किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से आप एक साथ दो फाइल को ओपन करके उन पर काम भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही साथ अब हम आगे के ऑप्शंस इसके देखेंगे जिनमें हम देखेंगे व्यू मेन्यू। तो अगली वीडियो के अंतर्गत आप देख पाएंगे व्यू के सारे ऑप्शंस। धन्यवाद।